समझा किसी ने न जाना किसी ने साथ छोड़ दिया हाथ छोड़ दिया साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला सौतेला और आप याद रखिएगा अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फौरन यहाँ आइए। कामिनी ने अपने हथेलियों की नस काट ली है। क्या? तुम ही मुझसे बहुत प्यार करते हो भैया। पांची, आर के बत्रा की कोई जवान बेटी है ही नहीं। What? अगर कामिनी ने सचमुच झूठ बोला है तो ये शादी की नौबत कभी नहीं आएगी। कभी नहीं। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई नारायण। ये पट्टा तेरे हाथ में नहीं आने वाला। इससे पहले कि ये जाकर जीजा और जीजी को अपनी असलियत बताए, तुझे अपने नंबर खुद बढ़ाने होंगे चक्कर चला के। आखिर तू इस घर का बुरा होते हुए कैसे देख सकता है चक्कर चला के। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कामिनी ऐसा कर सकती। उसे तो मैं बच्ची समझती थी, नादान समझती थी, लेकिन वो अरे शुभम आओ बैठो। नहीं सक्सेना साहब, मैं यहाँ कामिनी बत्रा से मिलने आया हूँ। कामिनी बत्रा? जी हाँ, उसने तो मुझे यही बताया था कि वो मशहूर बिजनेसमैन आर के बत्रा की बेटी है। वैसे सक्सेना साहब, आप भी जब किसी से मिलते हैं तो अपना नाम आर के सक्सेना की बजाय आर के पत्रा बताते हैं क्या? झूठ बोलकर अपनी हैसियत छुपाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। देखिए, आपको कामिनी से मिलना है ना, अंदर जाइए, वो अपने कमरे में ही होगी। शुभम, तुम हाँ मैं, तुमने तो कभी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हारे घर पर भी आ जाऊंगा। क्यों? मिस कामिनी बत्रा, यही नाम बताया था ना तुमने अपना? नहीं शुभम, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कामिनी। तुम्हारी असलियत मुझे पता चल चुकी है। तुम्हारा झूठ बेनकाब हो गया है, जिसके जरिए तुम मुझ तक पहुंचना चाहती थी और मेरी दौलत को पाना चाहती थी। मैंने झूठ बोला था, लेकिन वो झूठ मैंने तुम्हारी दौलत पाने के लिए नहीं बोला था, बल्कि तुम्हें पाने के लिए बोला था। मत लो मेरे सामने प्यार का ये नाम। जिस तरह तुम्हारी असलियत झूठी थी, उसी तरह तुम्हारा प्यार भी झूठा ही होगा। इसलिए आज तुम्हें मेरी सच पर भी भरोसा नहीं। कैसे भरोसा करूं कामिनी, कैसे? अरे तुम पे तो मैं अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करता था।
लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे विश्वास को तोड़ दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता कामिनी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुमसे माफी मांगी भी नहीं, बल्कि मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। मैं तो मौत को गले लगाना चाहती हूँ, पर मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि ना मुझे प्यार हासिल हुआ और ना मौत। शुभम, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ। क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था? बोलो शुभम, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? हाँ कामिनी, मैंने तुमसे प्यार किया था। झूठ, झूठ कह रहे हो तुम। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, बल्कि तुमने तो उस कामनी पत्ता से प्यार किया था। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना शुभम, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कामनी पत्रा हूं या कोई कामनी सक्सेना। नहीं कामिनी, मुझे इस बात से तब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम अपनी सारी असलियत मुझसे नहीं छुपाती, अपनी सारी सच्चाई मुझे बता देती तो हर हाल में तुम्हें अपना लेता। लेकिन तुमने ये झूठ का रास्ता अपनाया। अब यही झूठ का रास्ता तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर ले जाएगा। हाँ शुभम, मैंने अपने प्यार को पाने के लिए जो रास्ता अपनाया वो गलत था, लेकिन उससे भी बड़ी गलती मैंने ये की कि मैं जानती ही नहीं थी कि यहाँ प्यार करने का हक तो सिर्फ बराबर के हैसियत वालों को है। मेरे जैसे सच्चे प्यार करने वालों का नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरी इस गलती के लिए अपने हाथों से मुझे सजा दे सकते हो। मैं इसे अपने प्यार का इनाम समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। जिसकी अपनी जिंदगी सजा बन गई हो वो किसी और को क्या सजा देगा कामिनी? और रही बात प्यार की, तो मुझे मेरे प्यार का वो इनाम मिला है जिसे मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। और मैं चाहती भी नहीं कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि जिसके बारे में मैं एक बार सोच लेती हूँ उसे हासिल करके ही रहती हूँ। क्या करूँ, ये मेरी आदत है जिसे मैं बदल ही नहीं सकती। लड़की जिसे शुभम ने मिलाया था, शुभम की दोस्त, क्या नाम बताया था उसने अपने पिता का? आर के बत्रा शायद। शायद? शायद क्यों? ना, आर के बत्रा ही बताया था, आयरन किंग। आप क्यों पूछ रहे हैं? आयरन किंग बत्रा की एक ही बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी उम्र 40 साल है और वो दो बच्चों की मां है। मतलब ये कि वो लड़की
क्या नाम बताया था उसने अपना? कामिनी। हाँ कामिनी, वो बत्रा की बेटी नहीं है। She's a liar, maybe fraud. ये कैसे हो सकता है? शायद सुनने में कोई गलतफहमी हुई हो, शायद उसने अपने पापा का कोई और नाम बताया हो। कोई और भी तो बत्रा हो सकते हैं। बत्रा कई हो सकते हैं शकुंतला, मगर आयन किंग सिर्फ एक ही है, और वो लड़की उस बत्रा की बेटी नहीं है। तो ये कि शुभम को जाकर समझाओ कि आइंदा ना तो वो उस लड़की से मिलेगा ना ही घर ले आएगा, और ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं करेगा कि वो लड़की झूठ क्यों बोल रही है। आई हेट लायर्स। शुभम। यस मॉम। शुभम तुमने सुना, महेश भाई साहब कह रहे थे कि कामिनी। हाँ मॉम, वो सच कह रहे हैं। क्या? हाँ मॉम, कामिनी किसी आर के बत्रा की बेटी नहीं, वो राजीव सक्सेना की बहन है जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं। तुम जानते थे? पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूं। कामिनी ने सिर्फ तुमसे नहीं, हम सबसे झूठ बोला था। हाँ झूठ बोला उसने, झूठ बोला उसने कि वो एक अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसके झूठ में भी सच्चाई है मां। वो मुझे बेहद चाहती है। ये तुम्हारा प्यार है शुभम, जो तुम्हें उसके झूठ में भी सच नजर आ रहा है। नहीं मां, उसने झूठ बोला ही इसलिए था कि वो मुझे खोना नहीं चाहती थी। अगर उसका प्यार झूठा होता तो क्या वो अपनी जान देने की कोशिश करती? क्या? हाँ मॉम, उसे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए उसने अपनी जान देने की कोशिश की। अगर वो गरीब घर में पैदा हुई है तो इसमें उसकी क्या गलती है मॉम? लेकिन मैं जानता हूं मॉम, डैड सब कुछ जानने के बाद उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मॉम मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा मॉम। शुभम, राजीव सक्सेना की बहन? जी हाँ जीजा जी, वो लड़की आपके खास वफादार राजीव सक्सेना की ही बहन है। उसी ने जानबूझकर आपके बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसाया है चक्कर चला के, ताकि वो आपकी आधी दौलत पर कब्जा कर सके। नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता, तुम्हें कोई धोखा हुआ है। वो लड़की आर के बत्रा की बेटी नहीं है ये मैं जानता हूँ, लेकिन वो राजीव सक्सेना की बहन है ये मैं नहीं मान सकता। कोई धोखा हुआ है, वो लड़की आर के बत्रा की बेटी नहीं है ये मैं जानता हूं, लेकिन वो राजीव सक्सेना की बहन है ये मैं नहीं मान सकता। ठीक है जीजा जी, जब आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप अपने उस वफादार राजीव सक्सेना से ही पूछ लीजिए, कम से कम वो आपके सामने झूठ तो नहीं बोलेगा चक्कर चलाते। वो
जानता है? अच्छी तरह जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है जीजा जी। और मैं तो कहता हूँ कि ये सारी प्लानिंग ही उसी की है, नहीं तो वो अपनी बहन को हमारे भोले भाले बेचारे शुभम के पीछे क्यों लगाता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राजीव, सक्सेना इतना नहीं गिर सकता। जीजा जी, यही तो आपकी कमजोरी है, आप आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं और वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं कसम से। अगर जीजा जी ये प्लानिंग नहीं होती तो आप ही बताइए कि उस लड़की ने अपनी असलियत को शुभम के ऊपर से क्यों छुपाया, क्यों धोखा देते रही हमारे बेचारे शुभम को, क्यों जीजा जी क्यों? क्योंकि वो शुभम से प्यार करती है, क्योंकि वो लड़की शुभम से प्यार करती है, चाहती है वो उसे। उसे डर था कि शुभम को अगर असलियत का पता चल गया तो शायद वो उससे दूर हो जाएगा, और ये सब कुछ उस लड़की ने खुद शुभम को बताया है, कुछ भी नहीं छुपाया उससे, सब कुछ बता दिया। ना ना जीजी ना, ये सब उस लड़की ने ना बताया शुभम को, वो तो मैंने बताया शुभम को चक्कर चला के। अब जब शुभम उससे सच्चाई जानने के लिए गया होगा तो बेचारी लड़की को अपनी सफाई में पूछना कुछ तो बोलना ही पड़ा होगा चक्कर चला के। लेकिन वो लड़की अभी कम उम्र है, नादान है, ये सब कुछ उसने नहीं सोचा होगा, बस अपनी बड़ाई जताने के लिए झूठ बोल दिया होगा। लेकिन ये बात सच है कि वो शुभम से प्यार करती है। स्वार्थ साधने के लिए बोला गया झूठ धोखा है, फरेब है, बेईमानी है, और धोखा फरेब और बेईमानी पर प्यार की नींव नहीं रखी जाती शकुंतला। क्या शुभम के प्यार के लिए उस लड़की की छोटी सी गलती को माफ नहीं किया जा सकता? हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि वो लड़की शुभम के प्यार में अंधी हो गई थी, मगर राजीव सक्सेना वो तो सच जानता था, उसने क्यों नहीं हमें सच बताया, क्यों धोखा दिया हमें? अच्छा जीजा जी अच्छा। अब समझ में आया मेरे कि वो देवराज चौधरी जैसे आदमी के लालच में क्यों नहीं आया। 10-20 लाख से उसका क्या बनता बिगड़ता, उसकी तो नजर आपकी दौलत पर थी, आपके बिजनेस पर थी, चक्कर चला के। नारायणी, हाय हाय जीजी, आप तो बेफिजूल में इन्हें डांटती रहती हैं, हम तो किसी के लेने में न देने में, आपका काम जाने और आप जाने। चलो जी चलो। शकुंतला, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता, मैंने राजीव सक्सेना पर अपने बेटों से ज्यादा विश्वास किया है, मगर उसने मेरे विश्वास की हत्या की है। मैं सबको माफ कर सकता हूं, मगर विश्वासघात करने वाले को नहीं माफ कर सकता, कभी नहीं। आया था कितनी खुशी सा।